हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर्ट लर्निंग एकेडमी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी क्रोशे से बनी हुई प्लेस लेकर आई हूँ, जिसे बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये खाली चैन से ही बनाई हुई है और बहुत जल्दी और आसानी से बन जाती है। और आप इसको सूट की, देखिए मैंने स्लीव्स पर लगा के आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से देखिए आप स्लीव्स पर लगाएँ तो बहुत ही सुंदर लगती है। देखिए, आप मैचिंग की बना सकते हैं किसी भी कलर से इसको, और ऐसे लगाकर ऊपर से यहाँ से आप मशीन लगा दें इसमें, सिलाई मशीन। तो देखिए, मैं इसको बना के दिखाती हूँ आपको कैसे बनती है। इसके लिए आप कोई भी आप ऊन ले लीजिए, मैंने तो ऐसी ही एक सिंपल ऊन ले ली है, और इस तरह से क्रोशे से घुमा कर और एक हम चैन बना लेंगे। नॉट लग गई इसमें। अब हम इसमें दो चैन और बनाएंगे, इस तरह से दो चैन बन गई। अब फर्स्ट वाली में चैन में हम क्रोशिया को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बन गया, ये दो हमारे दाने आ गए। पहले वाले में डालेंगे, पहले फंदे में ये डाला हमने, एक चैन, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये हमारी छः चैन बन गई हैं इस तरह से। और अब सातवीं चैन बनाएंगे और इसके अंदर से निकाल देंगे दोनों में से। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा एक सर्कल बन के चैन बन गई है। इसे दोबारा से इसी तरह से करने के लिए, ऐसे ही बनाने के लिए दोबारा से फिर तीन चैन बनाएंगे। ये देखिए, तीन चैन बनाई, फिर जो हमारी जो फर्स्ट वाली चैन थी उसमें फिर से इसी तरह से सिंगल क्रोशिया डालेंगे, और ये दो फंदे हो गए, एक फंदे में से निकालना है बस। फिर हमें दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये छः चैन बन गई है। सातवीं चैन दोनों में से निकाल देंगे। ये देखिए, एक बार और देख लीजिए, एक बार और बताती हूँ आपको, बहुत आसान है। देखिए, ये तीन चैन बन गई, फिर हमने वापस डाला, ये दो चावल आ गए हमारे, और अब एक एक फंदे में से ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए, ये हमारे छः चेन बनाई और छः चेन बन के सातवीं में से निकाल दिया इस तरह से। ये देखिए कितनी सुंदर चैन बन गई है ये। और इसी तरह से लैस हम बनाते हुए जाएंगे इसको, इसी तरह से बनाते हुए मैं आपको और बताती हूँ। देखिए, इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे हम। तो इसे कोई भी आसान से, जिसको खाली चैन बनानी भी आती है ना, वो भी बना सकता है आराम से, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं खास बनाने के लिए। जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और मैं वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। ये देखिए, ये चैन बन गई है, मैं इसको आगे बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने थोड़ी सी और चैन बना के बना ली है ये। ये देखिए, इस तरह से ये बनती हुई चली जाएगी। जितनी बड़ी आपको बनानी है आप अपने हिसाब से उतनी बड़ी बना सकते हैं, किसी भी कलर में बना सकते हैं। आप इसे दुपट्टे पे, सूट में, कहीं पे भी लगाए, बहुत ही सुंदर लगती है बनके। अब मैं आपको दो ना बीट्स डाल के, मोती डाल के और दिखा देती हूँ बना के। ये मैंने पहले ही डाल लिए हैं इसमें, क्योंकि जो अगर आप बनाएं बीट्स डाल के तो पहले ही डाल लें। तो आपको दिखा देती हूँ कि अगर आपको मोती से भी बनानी है तो आप मोती डाल के भी बना सकते हैं ये। इसी तरह से हम तीन चैन बनाएंगे इसमें भी, फर्स्ट वाली में डालेंगे और इसमें हम करेंगे एक, दो, तीन, चार, ये हम चार चैन करेंगे, फिर एक मोती लेंगे, बीच में डालेंगे मोती, फिर वापस से एक, दो, तीन, चार, फिर वापस से चार चैन करेंगे, बीच में मोती हुआ, और फिर निकाल देंगे पाँचवें पे। ये देखिए, इस तरह से आप इसको मोती डाल के भी बना सकते हैं। मैं एक और डाल के दिखाती हूँ आपको। देखिए, तो आपको जो अच्छी लगे, बिना मोती के, मोती के, आप दोनों तरह से इसको बना सकते हैं। इसी तरह से हम फिर चार चैन बनाएंगे और चार चैन के बीच में फिर एक मोती डाल देंगे इस तरह से। एक
चार चैन पहले मोती से, फिर चार चैन बाद में मोती के, इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए ये मोती की बन गई है, और आप बिना मोती के भी दोनों तरह की बना सकते हैं, और ये बिना मोती के। ये देखिए आपको जो अच्छी लगे आप उसी तरीके से इसको बना सकते हैं। तो देखिए है ना बिल्कुल इजी लैस का डिज़ाइन। ये देखिए एक मैंने मोतियों के साथ ये लैस का डिज़ाइन बनाया है, ये बिना मोतियों की बनाई है लैस। तो आप प्लीज़, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।